वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम प्रॉपर मांडवी सिटी के अंदर एक दरगाह शरीफ है जो ईदगाह के एकदम करीब है, जो अल्लाह के एक मशहूर वली जिनका नाम है हज़रत हाजी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो बहुत बड़े आलिम दीन भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत की और बच्चों को तालीम दी और कच्छ में वो तशरीफ लाए। जब वो कच्छ में तशरीफ लाए, आज से तकरीबन 250 या 300 साल के आसपास का जमाना हुआ हजरत को, तो उस टाइम में एक राजा थे तेरा गांव के, जिनका नाम था ठाकुर कुमार हमीर जी। उनके टाइम में वो तशरीफ लाए थे, वो तेरा गांव के राजा थे। तो दोस्तों, आज मैं पीर हाजी मोहम्मद शाह के बारे में बताता चलूँ। हाजी मोहम्मद शाह एक अल्लाह के इतने बड़े वली थे कि इनके दरबार में आज भी लोग जिनात के मसाइल वाले आते, बेरोजगार आते। इतने बड़े वली है कि इनके दरबार में आने से ही काम बन जाते। जो कच्छ के जो राजा थे ठाकुर हमीर जी, उनके घर पे औलादे होती मगर वो बचती नहीं। तो किसी ने उनको कहा कि एक अल्लाह के फकीर है, अल्लाह के वली है, क्योंकि उस टाइम के जो राजा होते थे वो अल्लाह के वलियों को बहुत मानते थे। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बताए हैं। साई अब्बामिया वली के पास भी राजा आए थे, फिर हजरत इस्माइल साहब पीर के पास भी राजा आए थे, फिर नरेरी के शहनशाह कायम साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह के पास भी राजा आया करते थे। ऐसे बहुत सारे जो अल्लाह के कच्छ में औलिया इकराम है जिनके पास राजा आते थे। मैं इंशाल्लाह जितने भी अल्लाह के वली है इनके बारे में बताता चलूँगा। और मोस्ट ऑफ 18वीं सदी में बहुत सारे अल्लाह के वली कच्छ में तशरीफ लाए थे, तो ऐसे में ही 18वीं सदी में हाजी मोहम्मद साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाए थे। तो तेरा गाँव का जो राजा था, इनके घर पर जो औलादे होती वो बचती नहीं थी, तो वो परेशान हाल था। वो काफ़ी उस टाइम के जो हकीम थे उनको बताता था, मगर सारे हकीमों ने बताया कि इनका क्या इलाज है हमें पता नहीं है। तो जो राजा था वो परेशान हाल था कि क्योंकि उनकी नस्लें आगे बढ़ानी थी और विरासत के लिए कोई औलाद होना भी ज़रूरी है, तो उनकी विरासत संभालने के लिए कोई औलाद नहीं थी। तो वो राजा परेशान हाल था। किसी ने उनको बताया कि हजरत आप मानवी की सरजमी पे आप जाओ, वहाँ पे एक अल्लाह के बहुत बड़े वली आए हैं, आप उनसे दुआ लो, इंशाल्लाह आपके घर पे औलाद होगी। राजा खुद हजरत हाजी मोहम्मद सप्पी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तशरीफ लाए, और जब हजरत की खिदमत में तशरीफ लाए तो हजरत ने कहा कि राजा आप हमारे फकीर खाने में तशरीफ लाए, हम आपका दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो हाजी मोहम्मद साहब पीर ने पूछा कि बताइए आप किस काम से हमारे पास आए हैं। तो राजा ने कहा कि हमने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है, हमें बहुत सारी उम्मीद है आपके ऊपर, हम भी औलाद है और हमारे घर पे औलाद होती है मगर बचती नहीं है। तो हाजी मोहम्मद साहब पीर रहमतुल्लाह ने कहा कि अल्लाह की जात बहुत करीम है, आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह अल्लाह आपके घर भी औलाद देगा और औलाद आपको सही सलामत देगा। थोड़ी देर के बाद हाजी मोहम्मद सफी रहमतुल्लाह अलैह ने राजा को एक धागा दिया और कहा कि ये रानी की कमर में बांध देना, इंशाल्लाह आपके घर पे जल्दी औलाद होगी। तो बस राजा को यकीन था कि मैं जिस फकीर के पास आया हूँ उनके दर से मैं मायूस नहीं जाऊँगा। तो बस राजा यहाँ से निकले और जब वो अपने वतन पहुँचे, कुछ अरसे के बाद राजा के घर औलाद हुई और सही सलामत हुई। तो राजा खुश हो गया और राजा फिर से हाजी मोहम्मद सफी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में तशरीफ लाए और तशरीफ लाके हाजी मोहम्मद साहब को शुक्रिया कहा और कहा कि ए फकीर, आपकी दुआओं से ही हमारे घर पे औलाद हुई है, अब आप बताओ हम आपकी क्या खिदमत करें।
तो हाजी मोहम्मद साफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हम तो बस फकीर है, हमें कोई चीज़ की हाजत नहीं है, हम तो बस अल्लाह की याद में रहते हैं, हमें किसी चीज़ की क्या ज़रूरत। तो राजा ने कहा, नहीं आपको कुछ लेना पड़ेगा। हाजी मोहम्मद साफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको मना किया, फिर भी राजा ने कहा कि आप जिस जगह पर रहते हो मैं पूरी ज़मीन आपके नाम पर कर देता हूँ। और तब राजा ने उनको पूरी ज़मीन उनके नाम पे कर दी। ऐसी तो बहुत सारी करामतें हैं हाजी मोहम्मद साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह की। आज भी यहाँ पे जिन्नात के जो असरात होते हैं, बाकी सारी जो परेशानियाँ होती है, हाजी मोहम्मद साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में लोग आते हैं और यहाँ पे मन्नत करके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। और यहाँ पे एक तबरुकात में हाजी मोहम्मद साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह का जुबा मुबारक है, इसके बाद इनकी टोपी मुबारक है और इनकी लुंगी मुबारक भी आज भी मौजूद है। तकरीबन 300 साल के आसपास का ज़माना हुआ, तो उस टाइम से आज भी हाजी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की सारे तबरुकात ऐसे के ऐसे हैं। तो अगर आप हाजी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आना चाहते हैं तो आप मांडवी में आए, मांडवी प्रॉपर सिटी में ही हज़रत हाजी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है।